दोस्तों यहाँ पर दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, 2020 भी खत्म होने वाला है, हमें रिलीफ मिलेगी यहाँ पर कोरोना वायरस से भी। और दोस्तों यहाँ पर 2021 का जनवरी के महीने में यहाँ पर कौन कौन से नए स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, हम तो टेक्निकल हैं यार तो टेक्निकली बातें करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से नए स्मार्टफोन्स आने वाले हैं यहाँ पर कन्फर्म है दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ोन है यहाँ पर वो है सैमसंग की तरफ से S21 की सीरीज़, जहाँ पर आपको तीन फ़ोन देखने को मिलते हैं, S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा। जहाँ पर आपको इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 वो देखने को मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। और दोस्तों ये कन्फर्म है कि 14 जनवरी को यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्राइस पे आता है, ये है मेन पॉइंट। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा फ़ोन है वो है यहाँ पर ओप्पो की तरफ से रेनो का 5, जो कि यहाँ पर 5G फ़ोन होगा। यहाँ पर जो इसमें प्रोसेसर की बताई जा रही है कि प्रोसेसर कौन सा आएगा, वो आएगा यहाँ पर डायमेंसिटी 1000 वाला, जहाँ पर आपको या फिर हो सकता है स्नैपड्रैगन 765G आ जाए, 19 Hz की रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले आ जाए, बिग बैटरी आ जाए। और आपको यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है ये मिड ऑफ जनवरी की देखने, मतलब 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास आपको यहाँ पर ये कन्फर्म है, 99% तो कन्फर्म है यार दोस्तों मेरी तरफ से देखा जाए तो। और दोस्तों तीसरा फोन है वो है यहाँ पर वीवो की तरफ से X60। जी हाँ दोस्तों ये बताया जा रहा है, रूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पर 90% तो कन्फर्म है कि यार ये आ सकता है जनवरी में। लेकिन दोस्तों इसमें क्या आएगा, इसमें यहाँ पर सैमसंग का प्रोसेसर आएगा। जी हाँ दोस्तों सैमसंग का एक्सिनोस 1080 और आपको यहाँ पर 120 Hz की रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बैटरी बिग देखने को मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कमाल की देखने को मिलेगी। मेन हाईलाइट होगा इसका कैमरा। जी हाँ दोस्तों वीवो के X6X वाले सीरीज जो होते हैं ना यहाँ पर एक कैमरा भी हाईलाइट होता है। तो देखते हैं दोस्तों वीवो भी यहाँ पर क्या कमाल करता है किस प्राइस के साथ में। और अगला फोन है वो यहाँ पर जियो की तरफ से बजट 4G फोन। जी हाँ दोस्तों बजट में आएगा, 5G फोन की बात नहीं कर रहा, 5G तो आएगा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी 4G की बात कर रहा हूँ, जनवरी में अभी नहीं आने वाला है 5G फोन। तो यहाँ पर जो बजट 4G फोन आएगा ना वो आएगा जियो की तरफ से। और दोस्तों पांचवा फोन है वो यहाँ पर शाओमी की तरफ से जो है यहाँ पर Mi 11। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये चाइना में तो 28 दिसंबर को लॉन्च होने का मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ये इंडिया में जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्राइस पे आता है, मेन चीज़ ये रखती है, और यहाँ पर कब आता है बताया जा रहा है जनवरी में आ जाएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर चाइना में तो लॉन्च हो रहा है 28, तो 15 दिन बाद इंडिया में भी कर दे क्या पता। और दोस्तों अगला फोन भी है वो है यहाँ पर मी की तरफ से जो कि यहाँ पर 10i 5G। इसमें आपको यहाँ पर 5 जनवरी को कन्फर्मड है ये लॉन्च देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है, डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 750G वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई सा प्रोसेसर हो सकता है। और दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो कॉपी होगा ना, कॉपी पेस्ट का काम वो किसका किया है, जो यहाँ पर चाइना में लॉन्च हुआ था शायद Redmi Note 9 5G वाला, वो 5G वाला वेरिएंट है ना, वो इंडिया में लाके इसी नाम से बताया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कमाल करता है। और यहाँ पर Redmi की तरफ से K40 के भी लीक्स आ रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई कंफर्म नहीं है, देखते हैं यहाँ पर क्या काम करता है K40 क्या नहीं आता है, मुझे तो यहाँ पर नहीं लगता, बस लीक्स आ रहे हैं तो मेरा काम है आपको बताना। और दोस्तों पोको की तरफ से भी यहाँ पर फोन आने वाला है जो कि यहाँ पर पोको M3। और यहाँ पर दोस्तों जो M3 आएगा ना वो बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा रीब्रांडेड होगा, जो Redmi Note 9 5G था, जो 4G था सॉरी चाइना वाला, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर जो इंडिया में Redmi 9 पावर के नाम से आया था ना, उसका रीब्रांडेड करने वाला है, कॉपी पेस्ट करने वाला है, थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, ये कम कर दिया वो ज़्यादा कर दिया, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म है दोस्तों मुझे लगता है रीब्रांडेड होने वाला है ये पोको का M3 फ़ोन। और दोस्तों अगला फ़ोन है वो है यहाँ पर रियलमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों रियलमी एक दो महीने से ठंडा पड़ा था, बहुत कम फ़ोन लॉन्च किए हैं इसने, लेकिन यहाँ पर रियलमी जनवरी के महीने में धमाल मन करने वाला है, नया साल में बम फोड़ने वाला है। यहाँ पर तीन फ़ोन तो कन्फर्म है दोस्तों, X7 जो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि X7 आ सकता है, यहाँ पर 100% कन्फर्म है, डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला प्रोसेसर आपको मिल सकता है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, बिग बैटरी है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पर Realme 8 सीरीज़ भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों जो 7 सीरीज़ थी वो यहाँ पर अब प्रो भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब यहाँ पर Realme 8 सीरीज़ भी आ रही है दोस्तों, वेट ओवर हो चुका है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको एक और फ़ोन बच जाए ना, दो ही तो हुए ना यार, अभी तो 2 सीरीज़ हुए, X7 और यहाँ पर 8 सीरीज़। अब यहाँ पर Realme Narzo 30 की सीरीज़ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको Narzo 30 में हो सकता है कन्फर्म है दोस्तों कि यहाँ पर ये आने ही वाली है। तीन फोन्स तो देखने को मिलेंगे, Narzo 20, 20 Ultra जो भी चलते रहते हैं इनके, वो बेसिकली देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बताया जा रहा है, रूमर्स आ रहे हैं कि Realme Race के नाम से भी एक फ़ोन लीक्स में चल रहा है, वो कौन से प्रोसेसर के साथ में आएगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 वाले प्रोसेसर के साथ में यहाँ पर Realme Race वाला फ़ोन
आ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रियलमी क्या काम करता है इन्हीं फोन्स के साथ में, किस प्राइस पे आता है, कब आते हैं, क्या नहीं आते, लेकिन आएंगे तो सही, कन्फर्म्ड है। सैमसंग की तरफ से भी ए सीरीज़ में, यहाँ पर एम सीरीज़ में कोई ना कोई सा एक फ़ोन तो आएगा, ठीक है कन्फर्म है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा आएगा, तो क्या बता के भी क्या फ़ायदा, गलत जानकारी देके। नोकिया की तरफ से भी आ सकते हैं, लावा है, इन्फिनिक्स, जाने कौन कौन सी कंपनी आए, लेकिन यहाँ पर माइक्रोमैक्स को ठीक है, थोड़ा माइक्रोमैक्स भी लाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रहे हैं उनके फ़ोन, बहुत सारी कंपनियाँ हैं वैसे तो, लेकिन जो कंफर्म फ़ोन थे ना कि इनकी संभावना है आने की, वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर 90%, 70%, 80% जितने भी कंफर्म्ड है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो दोस्तों आपका कौन सा फ़ोन था ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कौन सा फ़ोन का वेट कर रहे हो, अगर इस लिस्ट में नहीं है तो कौन सा फ़ोन है बताओ तो सही, ताकि हम यहाँ पर जैसे ही उसके अपडेट आते हैं हमको आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दें। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।